गर्मी का ये मौसम आया, मीठी मीठी आम ये संग लाया। जी हाँ, आपने ये पंक्तियाँ तो कई बार सुनी होगी। तो आज का हमारा जो डिश है वो कुछ इन्हीं पंक्तियों के ऊपर आधारित है। सो गाइस, वेलकम यू बैक टू वन मोर फ्रेश एपिसोड ऑफ दिस चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं मैंगो से एक मिठाई। सो किस तरीके से आप इस मिठाई को बना सकते हैं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम बनाने जा रहे एक मैंगो का डिज़र्ट। सो मैंगो का मौसम है और लॉकडाउन का भी, तो बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो घर के चीज़ों से ही बना रहे हैं। सो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए इस डिज़र्ट को बनाने के लिए वो है शुगर, एंड यहाँ पे बेसन हमने ले लिया 50 ग्राम, एंड सूजी 50 ग्राम, फिर हमने ले लिया काजू एंड पिस्ता बादाम, और साथ में मेन जो कि है मैंगो। तो हमने यहाँ पे 1 बड़ा मैंगो को यहाँ पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। तो आगे आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप बाकी का जो स्टेप्स है वो फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने हमारे कढ़ाई को ओवन के ऊपर बैठा दिया है और ये गर्म हो चुका है। तो गर्म होने के बाद हमने इसमें ऐड किया 1 चम्मच घी, और घी ऐड करने के बाद हमने जो आपको दिखाया था सूजी एंड बेसन, उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, हमारा जो बेसन एंड सूजी था उसको हमने हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कर दिया है, एंड करीबन इसको आपको 10 मिनट तक फ्लेम पे रखना है, एंड 10 मिनट के बाद अब इसको निकाल सकते हैं। एंड इसका जो फ्लेम है वो लो फ्लेम पे आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि लो फ्लेम पे इसका जो खुशबू है वो निकलेगा, हाई फ्लेम पे नहीं निकलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपको इसको लो फ्लेम पे ही रखना है। सो अब हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप मैंगो को प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी हम बनाने वाले हैं मैंगो को। सो कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया है और अभी हम ऐड करेंगे मैंगो। तो जब तक ये मैंगो अपना पानी नहीं छोड़ देता तब तक हमको इसको ऐसे स्टायर करता रहना पड़ेगा और गैस पे रखना पड़ेगा। जब ये मैंगो अपना अंदर का पानी छोड़ देगा देन हम इसमें अपने शुगर को ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, हमारा मैंगो जो है वो थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है। सो अभी इस टाइम पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चीनी ऐड करने के बाद ये जो मैंगो है ये थोड़ा सा थिन हो जाएगा, और थीन होने के बाद हमको इसको गैस पे रखना पड़ेगा जब तक ये थोड़ा दोबारा से थिक ना बन जाए। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने जो आम लिया है वो थोड़ा सा खट्टा है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चीनी यूज़ कर रहे हैं। जब तक ये चीनी ऐड करने के बाद ये पतला हो जाएगा, और पतला होने के बाद जब तक ये डेंस नहीं हो जाता तब तक आपको थोड़ा सा इसको स्टायर करते रहना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। कुछ इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, हमारा मैंगो जो है वो डेंस हो चुका है। सो अभी इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर। लगभग 5 मिनट तक हमने इसको फ्लेम पे रखा, कंसिस्टेंटली स्टायर करते रह गए। स्टायर करना ज़रूरी है, नहीं तो नीचे लग जाएगा ये। सो अभी हम धीरे धीरे इसमें ऐड कर देंगे सूजी एंड बेसन, जो हमने पहले प्रिपेयर किया था वो हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। जल्दबाजी करेंगे तो ये एक साथ में क्लॉट हो सकता है, तो आप धीरे धीरे कीजिएगा एंड स्टायर करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी कढ़ाई में अटक नहीं रहा है स्टायर करते वक्त। तो इस टाइम पे हम इसको, इसका जो फ्लेम है वो ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे जिसको ऑलरेडी हमने घी से ब्रश किया हुआ है। तो निकाल लेने के बाद इसको आप फ्रीज पे रख दीजिएगा लगभग 1 घंटे के लिए, एंड देन आप इसको कटिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने अपना जो मिक्सचर था उसको इस प्लेट में निकाल लिया है जिसको हमने घी से ब्रश किया था। तो अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे ड्राई फ्रूट से, जो कि है पिस्ता एंड काजू।
तो मिलते हैं जब ये फ्रीज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा डिश जो है वो रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट 1 आवर फ्रीजिंग के बाद। सो अभी आप इसको जिस शेप में चाहे उस शेप में काट के आप एंजॉय कर सकते हैं। सो आप भी घर में ट्राई कीजिएगा, और आम का सीजन है तो ट्राई कर ही सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।